सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। सो गाइस, मुझसे बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि कोई ऐसा एप्लीकेशन बताइए जिससे हम ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड कर पाएँ और वहाँ पर नोटिफिकेशन भी शो ना हो कि ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्ड हो रही है और उस एप्लीकेशन को हम बड़े आसानी से हाइड भी कर पाएँ। तो देखिए, ये मेरे दूसरे चैनल पे आपने पूछा था, आज़ाद कुशवाहा पे, तो मैं वीडियो आपको ये दूसरे चैनल पे दे रहा हूँ। तो बिल्कुल ऐसी एप्लीकेशन है जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी हो, सॉरी कॉल रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और एप्लीकेशन को भी आप हाइड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको सिंपली आना है टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर आने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली बैक करना है, सॉरी सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है आज़ाद कुशवाहा। चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको थ्री डॉट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको सर्च पे करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है CUBE, उसके बाद ACR, ठीक है। जैसे आप इतना सर्च करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन मिल जाएगी ये वाली। तो इस एप्लीकेशन को आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद ओपन करेंगे, तो ओपन करने के बाद आपको एप्लीकेशन का मेन इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखेगा। तो इस एप्लीकेशन को बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा लेकिन सही ढंग से यूज नहीं किया होगा, जिसकी वजह से उनका कॉल रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे, इसके टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करेंगे और यहाँ से आप इसको इनेबल कर देंगे, ठीक है। ये डिसेबल आपका रहेगा तो आप इसको इनेबल कीजिएगा, ठीक है गाइस। उसके बाद आपको करना क्या है, आप बैकअप एंड रिस्टोर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको गूगल ड्राइव सेलेक्ट कर लेना है। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर वीडियो बना रखी है लेकिन इस वीडियो में भी आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डिंग पे क्लिक करके यहाँ पर आप रिकॉर्डिंग की सेटिंग को ऑन कर दीजिए और कितना मैक्सिमम चाहिए इसको आप अपने हिसाब से वॉइस को सेट कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर फोर्स मीडिया को ऑन कर देंगे और यहाँ पर बैक करेंगे। बैक करने के बाद यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली आना है मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल के सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको ऐप्स का ऑप्शन में आना है और यहाँ पर आपको ऐप लॉक का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, ऐप हिडन पे आएंगे और यहाँ पर आप बड़ी आसानी से इस एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हैं। जैसे कि ये रही हमारी CUBE ACR, तो इसको हमने हाइड कर दिया, देखिए हमारे फ़ोन से ये हाइड हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको हाइड कर देना है और उसके बाद आपको करना क्या है, जो चीज़ मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिलहाल व्हाट्सएप को ओपन करते हैं और इस नंबर पर हम करते हैं कॉल। तो देखिए, मैंने इसको किया वॉइस कॉल, ठीक है। अब हमने इसको कर दिया, इसको करेंगे कट, ठीक है। देखिए, हमारे पास कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। और साथ में एक चीज़ और है, मैं आपको, अगर आप इस एप्लीकेशन को देखना चाहते हैं तो इस तरह से आप डबल फिंगर से ऑन करेंगे और यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन को देख सकते हैं। तो इसको आप इनेबल करेंगे, तो सॉरी मैंने इसकी टर्म एंड कंडीशन को डिसेबल कर दिया था, तो इसीलिए हमारी कॉल रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड नहीं हुई है। तो आप इस तरह से करेंगे, आपका रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैं आपको अभी एक चीज़ और बताऊँगा जिसको आपको ऑन ही करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, हम यहाँ पर जो भी कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे या फिर कहीं भी, हमारी सारी कॉल रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड कर लेता है और ये सब एप्लीकेशन को बिल्कुल सिक्योर तरीके से आप यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, अगर आप ट्रू कॉलर एप्लीकेशन यूज करते हैं तो आप सबसे पहले उसे डिलीट कर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो होता क्या है, वहाँ पर अगर आप यूज करते हैं कॉलर आईडी में फुल स्क्रीन, तो आपके यहाँ पर कोई सी भी एप्लीकेशन आप यूज करें आपकी कॉल रिकॉर्ड हो ही नहीं सकती। तो इसलिए कह रहे हैं ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को डिलीट कर दीजिए, उसके बाद ही आप इन एप्लीकेशन का यूज कर पाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।